आज यका ही है कि एकदम से टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज आने लगी, अडानी को क्लीन चिट, अडानी को क्लीन चिट। लेकिन ये सत्य से कोसों दूर है। पर पहले समझ लीजिए कि हुआ क्या। जब अडानी के महाघोटाले की के काले करतूतों के सच सामने आने लगा तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच समिति गठित करी। इस जांच समिति का टर्म्स ऑफ रेफरेंस केवल रिव्यू ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क था, बहुत सीमित दायरा था, और उस सीमित दायरे में उन्होंने एक रिपोर्ट दी है। लेकिन यह रिपोर्ट बहुत कुछ कहती है और वो अधिकांश चरण चुंबक मीडिया, गोदी कमांडो वॉरियर एंकर, भाजपा के प्रवक्ता, जो अडानी के प्रवक्ता ज्यादा लगते हैं, वो आपको नहीं बताएंगे। तो पहले जो तीन बड़ी बातें इस रिपोर्ट में कही गई हैं वो जरूर समझ लीजिए। इस रिपोर्ट में यह जरूर कहा गया है कि कौन एफपीआईज में पैसा डाल रहा है जो फाइनल अडानी ग्रुप में आ रहा है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को पैसे का स्रोत कहां से आ रहा है, उसका कोई हम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके हैं। तो हमारा जो लगातार सवाल है, 20,000 करोड़ किसके हैं, ये रिपोर्ट भी चीख चीख कर वही पूछ रही है। दूसरा अहम बात, और ये बात सुनिएगा ध्यान से, दूसरी अहम बात ये कही जा रही है कि जो 13 फॉरेन फंड कंपनीज हैं जिनका अडानी समूह से लेन देन है, इन कंपनीज के जो ये संशय है कि जो पब्लिक स्टेक होल्डर्स हैं वो असल में अडानी के परिवार के ही लोग हैं, सब मिला जुला गोलमाल चल रहा है, और यही वेब ऑफ शेल कंपनीज, जो शेल कंपनीज के माध्यम से पैसे का ट्रांजैक्शन हो रहा था, ये वो वाली बात। दूसरा सवाल, तीसरी बड़ी बात इस रिपोर्ट में पूरी तरह से साफ है कि 4,80,00,000 शेयर LIC ने अडानी ग्रुप के खरीदे, और ये तब खरीदे जब शेयर प्राइस 1,031 से बढ़ते बढ़ते 3,859 पे पहुंचा। शेयर प्राइस बढ़ता जा रहा था और LIC लगातार अडानी के शेयर खरीदता जा रहा था, और इस खरीदने के लिए NTPC और पावर ग्रिड को बेचा जा रहा था। तो ये तीन बड़े सवाल, FPI में का जो पैसा आता है वो 20,000 करोड़ किसके हैं, असल में ओनरशिप किसकी है जो फॉरेन फंड्स के पब्लिक स्टेक होल्डर्स है, और LIC ने ये क्यों खरीदा। इसीलिए हम कह रहे थे कि इस कमिटी का दायरा सीमित है, इसका व्यापक जांच सिर्फ और सिर्फ एक JPC कर सकती है, जिसका गठन मोदी सरकार ने नहीं किया। और अभी भी दूध का दूध और पानी का पानी अगर होना है तो JPC का गठन करना पड़ेगा, जिसके पास ये अधिकार होता है कि वो इंस्टीट्यूशन से, एजेंसी से, सरकार से तमाम आंकड़े, तमाम डेटा, तमाम चीजें मांग सके। लेकिन नहीं किया जा रहा है वो अपने आप में प्रमाण है कि इस महाघोटाले को बचाया जा रहा है। लेकिन सवाल तो फिर भी पूछे जाएंगे, 20,000 करोड़ किसके हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति भी इस बात को पूरी तरह से बयां कर रही है। और एक बात और बता दें, ये वही सेबी है जिसने अभी थोड़े दिनों पहले अपने वकील की उम्र 22 से 25 साल करी थी। ये वही सेबी है जिसने वित्त मंत्रालय ने और एक दूसरे खंडन किया। सेबी ने कहा हमने कोई जांच नहीं करी अडानी की, वित्त मंत्रालय कहता है नहीं जी जांच हुई थी 2021 में, सदन में ये कहा गया था। तो कोई तो एक झूठ बोल रहा है, वो झूठ कौन बोल रहा है ये देश को जानने की जरूरत है, क्योंकि झूठ बोलकर बचाया तो मोदी जी के परम मित्र अडानी जी को जाया जा रहा है।